नमस्कार, आप देख रहे हैं भट्टू दर्पण न्यूज। मुख्य समाचारों के साथ मैं जय सिंह जालवा। गांव डिंगसरा में मेन चौक में शरद पूर्णिमा वर्ष शिव कैलाश सेवा संघ एवं आयुर्वेद योग एवं ग्राम विकास मंच डिंगसरा के तत्वाधान में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी सुरेंद्र सोनी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लेकर दीप प्रज्वलित करके जागरण का शुभारंभ किया। जागरण में रात्रि को 64 विशेष जड़ी बूटियों से चंद्रमा की रोशनी में खीर रूपी प्रसाद तैयार किया गया। वेद सुभाष चैल एवं वेद संजय योगी ने इस रात्रि को एवं इस खीर रूपी प्रसाद एवं आयुर्वेदिक के महत्व बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष शक्ति वर्षा होती है, जिस कारण इस खीर के गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। जो भी इंसान ये खीर खाता है, इसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति का बहुत विकास होता है, बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। इस आयुर्वेदिक खीर रूपी प्रसाद का सुबह वितरण किया गया। इस दौरान रात्रि को सुंदर सुंदर भजनों के साथ श्रद्धालुओं को भक्ति विभोर में डुबो दिया। इस दौरान गुरुग्राम से प्रोफेसर भीमसेन खिरवट ने भी शरद पूर्णिमा के इस दिन के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर गांव के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। गांव ढाबी खुर्द में शहीद भीम सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा 24 व 25 अक्टूबर को खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जगतपाल बिश्नोई ने बताया कि शहीद भीम सिंह खेल स्टेडियम ढाबी खुर्द में आयोजित दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में 24 अक्टूबर को लड़कियों में कबड्डी ओपन, खो खो अंडर 14 व 17 आयु वर्ग, 200 व 400 मीटर दौड़ तथा लॉन्ग जंप होंगे। वहीं 25 को लड़कों में कबड्डी 45-60 किलोग्राम भार वर्ग, 200 व 400 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, अंडर 14 व 17 आयु वर्ग खेल आयोजित किए जाएंगे।